हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। किसानों के जत्थे ने पानीपत हल्दाना बॉर्डर के बैरियर को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि किसान लगातार दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और इस पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर पानीपत हल्दाना बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ बैरियर को तोड़ दिया गया है। पानीपत से दिल्ली जाने वाले रास्ते का जो बैरियर है उसे तोड़ा गया है। रॉन्ग साइड का बैरियर तोड़कर किसान अपने ट्रैक्टर और वाहनों पर दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश लगातार किसानों की तरफ की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ताजा तस्वीरें हैं पानीपत हल्दाना के बीच की। ये तस्वीरें जहाँ किसान ट्रैक्टर पर सवार हैं और आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जवान इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं जिसकी आवाज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पानीपत हल्दाना बॉर्डर के बैरियर को किसानों ने तोड़ दिया है। लगातार दिल्ली आने की कोशिश पंजाब के किसानों की ओर से हो रही है केंद्र के कृषि कानूनों का। ये किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं और 26 और 27 नवंबर को उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। ये देखिए भारी तादाद में जो आपको दिखाई दे रही है पंजाब के वो किसान है जो केंद्र के कृषि कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। दूसरा दिन है उनका, कल किसानों ने अनाउंस किया था कि वो एक हफ्ते के लिए यहाँ धरना लगाएंगे, मगर कुछ नौजवान जो है वो तेजी से कल लगातार मांग कर रहे थे कि हम जो है बैरिकेड तोड़ के दिल्ली की तरफ जो है कूच करेंगे। इसलिए आज किसानों ने नौजवानों ने इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए हैं और कूच कर रहे हैं हरियाणा के डबवाली की तरफ। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान जो है यहाँ वो एंटर कर रहे हैं डबवाली की तरफ। हालांकि पुलिस ने जो है वाटर कैनन जो है वो खड़े किए हैं पर वो सारे इंतजाम पुलिस के जो है वो धरे के धरे रह गए हैं। आप देख सकते हैं डबवाली बॉर्डर इस तरह से हरियाणा बॉर्डर पे डबवाली पे किसान जो है वो लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि किसान जो है जो पत्थर जो है बड़े बड़े जो लगाए हैं उनको जो हटाने की कोशिश जो है लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें, हजारों की संख्या में किसान जो है वो डबवाली एंटर कर चुके हैं पंजाब की तरफ से और लगातार जो है उन पत्थरों को हटाने की कोशिश जो है कर रहे हैं ताकि उनके ट्रैक्टर्स और गाड़ियां जो है वो जो है डबवाली की तरफ जो है एंटर करें ताकि वो दिल्ली की तरफ कूच जो है उनका वो कामयाब हो। ये भी बता दें कि पिछले कल जो पहला दिन दिल्ली मार्च का किसानों का था वहां पे शंभू बॉर्डर पे भी ऐसा ही जो नजारा था वो देखने को मिला था जहां किसानों ने पुलिस के सारे इंतजाम को धत्ता बताते हुए कब्जा कर लिया था। आपको तस्वीरें दिखाते हैं पुलिस का जो है वाटर कैनन जो है हरियाणा पुलिस का जो है उसके ऊपर नौजवानों ने जो है किसानों ने जो है वो कब्जा कर लिया है और उसको वाटर कैनन की पाइप जो है उनको तोड़ रहे हैं किसान। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहां से कि लगातार जो है पंजाब के किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वज्र वाहन है इसकी जो पाइप वगैरह है इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर कब्जा किसानों ने जो है वो कर लिया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार हम डबवाली बॉर्डर बठिंडा पंजाब हरियाणा जो बॉर्डर है बठिंडा और सरसा डिस्ट्रिक्ट के बीच में उसके पास ये बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। ये दूसरा दिन आज दिल्ली मार्च का जो है किसान जत्थेबंदियों का किसान संगठनों का जो है पिछले कल जो है पहले दिन जो है उन्होंने वो अनाउंस किया था कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे और एक हफ्ते का जो है धरना जो है यही देंगे, मगर किसान शाम होते होते किसानों के ऊपर जो नौजवान और किसानों का दबाव है वो इतना था
कि उन्हें अनाउंस करना पड़ा कि हम जो है डब वाली बॉर्डर बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि हजारों की संख्या में जो किसान जो है झंडे उठाए हुए हैं और कूच कर रहे हैं, डब वाली की तरफ एंटर कर चुके हैं लगातार। ये बता दें कि केंद्र सरकार ने जो तीन खेती कानून अभी हाल ही में बनाए हैं, उन खेती कानूनों के खिलाफ ये जो किसान जत्थेबंदियों, किसान संगठनों का जो दिल्ली मार्च है उसका ये दूसरा दिन है और किसान जो है यहाँ डब वाली बॉर्डर पे बैरिकेड तोड़ के पुलिस के इंतजाम को धत्ता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको भीड़ भी दिखाना चाहेंगे वहाँ डब वाली की तरफ, जो हजारों की संख्या में जो किसान जो है वो झंडे उठाए जो है दूर तक नजर आ रहे हैं। किसान एंटर कर चुके हैं डब वाली हरियाणा के बीच में, आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन जो है हजारों किसानों की आप देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है। हाथों में झंडा उठाए हुए किसान लगातार मार्च कर रहे हैं। पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस जो है वो बेबस नजर आ रही है। इसमें हम आपको और भी बता दें यहाँ तस्वीरें कि ये जो बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स जो हरियाणा पुलिस ने जो लगा रखे थे उनको भी जो किसान जो है वो लगातार जो है हटा रहे हैं यहाँ से, और कब्जा कितनी खुशी वो जाहिर कर रहे हैं बोल्डर्स को हटाने की। सड़क जो है उन्होंने क्लियर कर दी है। ट्रैक्टर्स जो है अब हरियाणा की बाउंड्री में जो है एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान जो है ट्रैक्टर्स के ऊपर चढ़े हुए हैं। किसानों ने जो सड़क थी उससे जो बड़े बड़े पत्थर थे, बैरिकेड थे, वो सारे जो है वो क्लियर कर दिए हैं, वो हटा दिए हैं। अब धीरे धीरे किसान जो है ट्रैक्टर्स के ऊपर जो है डब वाली की तरफ एंटर कर रहे हैं। इनके व्हीकल्स जो है, जो किसान पैदल जो है एंटर कर चुके हैं डब वाली की तरफ, इनके व्हीकल्स, इनके ट्रैक्टर्स, इनकी जीपें, इनके टेम्पो सारे वो पंजाब की बाउंड्री में खड़े हैं और ये धीरे धीरे इन व्हीकल्स को अब जो है लाने की कोशिश जो है पंजाब में की जा रही है। आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं डब वाली बॉर्डर से। बठिंडा के पास बठिंडा सिरसा बॉर्डर जो है डब वाली, यहाँ की ये तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं लगातार कि किसान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अब अपने व्हीकल्स को धीरे धीरे जो है, क्योंकि सड़क जो है वो क्लियर कर दी है हजारों किसानों ने, सारे जो पत्थर थे वो हटा दिए हैं यहाँ से, और ट्रैक्टर्स जो हैं अब एंटर जो है हरियाणा के बीच जो है वो कर रहे हैं। किसान नेता जो है ट्रैक्टर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, वर्कर्स जो है हजारों की संख्या में एक काफिला जो है किसानों का एंटर कर गया है हरियाणा के अंदर। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें यहाँ से कि पुलिस के जो इंतजाम हैं वो सारे के सारे धरे रह गए हैं। यहाँ कोई भी इंतजाम जो है किसानों को रोकने का यहाँ काम नहीं आया है और हरियाणा पुलिस जो है एक तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भटिंडा से आगे बढ़ते हुए, ये डब वाली बॉर्डर है जो हरियाणा में दाखिल होता है और यहाँ पर किसानों का ये हुजूम जो कि दिल्ली बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। तस्वीर में आप देखिए किस भारी तादाद में किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। पुरजोर कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि इन किसानों को आगे न बढ़ने दिया जाए। हरियाणा बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए थे, दिल्ली बॉर्डर पर भी इन्हें रोकने के कड़े इंतजाम है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर भटिंडा डबवाली बॉर्डर की है, दूसरी तस्वीर अम्बाला की है, जहाँ किसान पंजाब से लगातार दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पंजाब से हरियाणा, फिर हरियाणा के बाद दिल्ली आने की तैयारी की जा रही है। अब आपको टिकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी किसान एक एक कर जुटना शुरू हो गए। यहाँ पर किसानों और जवानों के बीच झड़प हो रही है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर की, जहाँ पर किसान लगातार दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश जवानों की तरफ से की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं लाठीचार्ज भी देखा जा रहा है। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन जवान लगातार कह रहे हैं कि उन्हें ऑर्डर्स हैं कि आपको दिल्ली में दाखिल नहीं होना है। और इसी वजह से हरियाणा बॉर्डर पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए ट्रेन भी साफ तौर पर दिख रही है, जो किसानों के ट्रैक्टर को पीछे ढकेलने के लिए साफ तौर पर लगाई गई है, लेकिन किसान अपना ट्रैक्टर लेकर सीमा में दाखिल होने की हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसान नहीं मान रहे। किसानों का कहना है कि कृषि कानून की वजह से उन्हें एमएसपी से बाहर रखने की साजिश सरकार की तरफ से रची गई है, लेकिन सरकार सफाई में कह रही है कि ऐसा कोई प्रावधान इस कानून में है नहीं।
लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कृषि कानून पर किस तरीके का भ्रम है और सरकार इस पर क्या दावा कर रही है, ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। किसानों को कहना है कि एमएसपी से बाहर रखने की साजिश है, सरकार का कहना है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कह रही है कि एमएसपी का भुगतान तो मोदी राज में बड़ा है, नए कानून से एपीएमसी को रद्द किया जा रहा है, ये किसानों के भीतर भ्रम है। लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, निजी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी। कृषि कानून पर इस तरीके का भ्रम फैला जा रहा है, लेकिन सरकार इसे भी डिनाई कर रही है। और ये तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हिंसक झड़प इस वक्त हो रही है। जवान लगातार समझा रहे हैं लेकिन किसान मान नहीं रहे। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इस बात पर भी कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, तो हंगामा क्यों किया जा रहा है। लेकिन देखिए, पहले हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई जहां पर माइक पर बकायदा अनाउंसमेंट कर किसानों से कहा जा रहा है कि आप जहां हैं वहीं बैठ जाएं, आगे ना बढ़ें। लेकिन उसके बावजूद किसान अपना ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में है और उसे हटाने के लिए इस तरफ से क्रेन और वज्र वाहन साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, समझाने की भी कोशिश हो रही है लेकिन किसान मान नहीं रहे। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब से किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, उन्हें लगातार समझाने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है जो बॉर्डर पर तैनात है। अलग अलग हरियाणा बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर अलग अलग तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस जो वहां मौजूद है वो किसानों को रोकने की समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का नुकसान। हाथ जोड़े हैं क्योंकि वो हम लोग पांव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार, नहीं ये तो आप बहस कर रहे हैं, हाथ पैर वाली बात मत कीजिए। लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं वहाँ रहिए, ठीक है। आप इंतजार कीजिए, ठीक है। अभी आप वहाँ वापिस जाइए, ठीक है, और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापिस जाइए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे दो दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दी, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाएं, कल निकल जाएं, एक घंटे में निकल जाएं, एक साल बाद 5 लाख का 1 मिनट। हमने आप हमारा पक्ष रखने दो, हम आपको निवेदन किया है, नहीं झगड़ा करती है, पुलिस तो आपके सुरक्षा के लिए ही है, तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वहीं इंतजार कीजिए। देखो आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे, आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे, इसलिए पहले आप वहाँ जाइए, पहले आप वहाँ जाइए। किसाना ने हजे पूछ भी नहीं किया। अजी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है, आप क्या कहते हो, मैंने भी भैंस चराई है, किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए अगर पहले देखो नहीं ये तरीका, पहले आप वहाँ जाइए, हमने आपकी बात सुनी, हमने आपकी बात सुनी, अभी आप वहाँ जाइए। किसान हले अगे भी नहीं सी, ऐसा है, मैं आपके परिवार से हूँ, मैं वहाँ पर भी चला जाऊँगा, अकेला आ जाऊँगा। लेकिन आप पहले वहाँ जाइए, आप अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो पहले जाइए। अगर आप किसान के बेटे हो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप जाइए पहले। किसान आएंगे, आएंगे किसान हले अब बदे नहीं पहले अच्छी, आप पहले आप वहाँ जाइए तो सही। अब आपने कहा बात सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली। सुरेंद्र यादव जी आप वादा कर रहे हैं, हाँ आप पहले वहाँ जाइए ना, आप जाइए। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जो कि दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं। 26-27 नवंबर का उन्होंने दिन तय किया था। ये तस्वीरें आप बहादुरगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया किसानों के ऊपर, क्योंकि वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने तस्वीरें आपको वो भी दिखाई जहां पर पुलिसकर्मी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं बैठ जाइए, वहीं रुक जाइए। लेकिन किसान साफ तौर पर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो दिल्ली जाकर ही मानेंगे। और यहां देखिए आप आंसू गैस दागे जा रहे हैं और साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल इन किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है। हमने अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको, अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें दिखाई जहां पर
किसानों ने कई सारे बैरिकेड्स को तोड़ दिया है, वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं। यही कोशिश आगे भी ना हो सके इसके लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की है, जहां पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर से ट्रक को हटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी तादाद में किसान एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, और ये पीछे आप देख सकते हैं क्रेन की मदद ली जा रही है और जो वाहन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान ट्रैक्टर से बड़े बड़े ट्रकों से दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को रोकने के लिए कुछ इस तरीके से क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आगे ना बढ़ सके। तस्वीरें झड़प की भी सामने आई थी और कई जगह पर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल उन्होंने किया, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं, किसानों का साफ तौर पर कहना। ये देखिए आप किस तरीके से ट्रैक्टर के जरिए इस भारी वाहन को हटाने की कोशिश की जा रही है। भारी वाहन किसानों को रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार किसान अब इसे खींच रहे हैं, हाथों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और ट्रक के पीछे रस्सी बांधकर इसे खींचकर रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पीछे क्रेन इस वाहन को अपनी तरफ खींच रही है ताकि जो ब्लॉक्ड रास्ता है वो ब्लॉक्ड रहे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर जो सवार किसान है वो इसे खींच रहे हैं ताकि रास्ते को खोला जा सके और किसान दिल्ली की तरफ आगे जा सके। ये टिकरी बॉर्डर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर दो तरफ से एक भारी वाहन को खींचने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इस वाहन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ रास्ते को रोकने के लिए किया गया था ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। एक एक कर अलग अलग बॉर्डर से, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो हरियाणा का हो, इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पुलिस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।